अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक, मैं पहले तो एक बात, लेट मी गेट इट आउट ऑफ द वे, जो आई डोंट वांट टू डू व्लॉग्स एनी मोर। मैं पिछले हफ्ते वापस आया हूँ, ट्रैवल पे गया हुआ था, दो चार जगह घूमे फिरे, एंड आई रियलाइज के ये व्लॉग, डेली व्लॉगिंग और ये ले के जाना सारा, ये वाला जो चक्कर है ना, दिस इज़ नॉट फॉर मी, आई हेट इट। मुझे चिड़ सी हो गई है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैंने ये सोचा था कि व्लॉग श्लॉग जो है ना वो करूँगा, एंड आई बिल्ड अप एन ऑडियंस, और जो है वो लोग जब देखना शुरू हो जाएंगे फिर मैं जो है वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, विच इज़ के मैं बैठ के ज्ञान बांटना चाहता हूँ। दैट्स ऑल आई वांट टू डू, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड द चैनल। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ क्या करें क्या ना करें, एट्सेट्रा। लाइक यू नो, आई जस्ट वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशन, शेयर नॉलेज, राइट? लाइक सुननी है सुने, नहीं सुननी ना सुने, एक कान से सुने दूसरे कान से आउट करें, फॉर ऑल आई केयर जो है। लेकिन मैं बस सुनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो लाइक आई डिसाइडेड कि आई एम नॉट गोना डू व्लॉग्स एंड लाइक बिल्ड अप एन ऑडियंस एंड टेक द लॉन्ग वे, और जो है वो फिर वन डे जो है मैं ज्ञान बांटना शुरू करूँगा। आई जस्ट टेक द शॉर्ट कट एंड लाइक गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। लाइक आई जस्ट वाना, मैं चाहता हूँ ज्ञान बांटना, और मैं आई एम जस्ट गोना बांट ज्ञान, दैट्स इट। तो विद दैट लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। जो है तो बट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट टुडे, जो एक बात मुझे जो बॉदर करती है ना मेरा दिल होता है, एक्सक्यूज मी, मैं भी पिछले दिनों जो है वो ज़ुकाम और बुखार वगैरह की एक एपिसोड से जो है वो निकला हूँ, तो अभी वो ड्राई कॉफ जो है ना बाकी है, तो सॉरी अबाउट दैट, थोड़ी सी आपको खंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बट या सो जो चीज़ें मुझे बॉदर करती हैं ना सोसाइटी में, ज़िंदगी में, जो लाइक मुझे लगता है कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस शुड चेंज, लाइक मैं उन चीज़ों पे जो है वो बात करना चाहता हूँ। और आज का टॉपिक जो है ना वो है समथिंग दैट हैड बिन बॉदरिंग मी, एंड लाइक मैंने सोचा हुआ था कि जब न्यूयॉर्क जाऊँगा तो मेरे पुराने मुफ्ती साहब जो है ना उनसे इस बारे में डिस्कस करूँगा, एंड दैट इज़ द मैटर ऑफ सूद इंटरेस्ट, जो अमेरिकन इकॉनमी के अंदर जो है ना वो लाइक अच्छी तरह से जो है वो इंटीग्रेटेड है, जो है उससे बचना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल ज़रूर है। सो घर वगैरह जो है, ज़्यादातर लोग US में क्या करते हैं, घर लेते हैं, डाउन पेमेंट डाल दी थोड़ी सी जो है लाख डेढ़ लाख डॉलर, कोई उससे भी कम डालते हैं 3% या कुछ जो है वो डाल के, तो बाकी घर फाइनेंस करके जो है वो ले लिया। और उसमें क्या होता है, यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑफ कोर्स, तो आप दे रहे होते हैं। और लाइक कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि यार शायद हम तो दे रहे हैं ना इंटरेस्ट, हम कौन सा लाइक वसूल कर रहे हैं, हम कौन सा रिसीव कर रहे हैं जिसको हम यूज़ करेंगे ये कुछ। बट लाइक फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड जो है वो इस्लाम डजंट मेक अ डिस्टिंक्शन कि वेदर यू आर रिसीविंग इट और वेदर यू आर पेइंग इट। एंड यू नो, टू बी फेयर, टू बी लाइक ऑनेस्ट अबाउट इट, जो है वो आप जब इंटरेस्ट पे करते हैं यू आर स्टिल गेनिंग समथिंग, जो है वो यू गेट प्लग्ड इनटू एन एसेट जो आपका नहीं है, जो है वो उस पर आपने जो है वो इंटरेस्ट की एक्सचेंज पे जो है आपने वो लोन जो है वो घर जो जिसको आप पे ऑफ नहीं कर सकते वो आपने अपने लिए ले लिया है, एंड द बैंक इज़ फाइनेंस्ड इट फॉर यू इन एक्सचेंज फॉर इंटरेस्ट। तो व्हेन द प्राइस ऑफ दैट प्रॉपर्टी गोज अप जो है वो यू स्टैंड टू गेन, सो यू आर गेटिंग समथिंग, जो है वो ये लोगों के जहन में जो बात है ना कि नहीं यार हम तो पे कर रहे हैं, जो है लम्बी भी ये थोड़ा सा कम गुना वाली चीज़ होगी, जो है वो रिसीव करते ना, अगर हम इंटरेस्ट जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं, हमने किसी को लोन दिया होता और उस पर हम जो है वो क्या बोलते हैं उसको, सूद ले रहे होते, रिपा ले रहे होते, तो शायद वो ज़्यादा गुना वाली चीज़ होती। नो नो नो, दैट्स नॉट ट्रू, यू आर स्टिल गेनिंग अ लॉट फ्रॉम indulging in paying interest, in taking out a loan exchange for interest. तो गुना वाली बात तो वो है,
मैं न्यूयॉर्क गया था और मेरे एक मुफ्ती साहब हैं, बड़े प्यारे लगते हैं मुझे जो है वो मैंने न्यूयॉर्क में अपनी ज़िंदगी का जितना टाइम गुजारा है जो है उन्हीं के साथ, उन्हीं से जो है ना वो सीखता था और गाइडेंस और सब कुछ उन्हीं से लेता था। मुझे ना मेरे माइंड में एक शक था कि जो है ना न्यूयॉर्क का कल्चर इतना करप्ट हो चुका है, इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है कि यू कैंट ट्रस्ट थिंग्स एनी मोर। जो है मुझे मेरे माइंड में ना एक लाइक आई हैड दिस फीलिंग कि जो है वो ये मुफ्ती हजरात इन बेचारों को जो है ना इनके साथ बहुत ज़्यादती की जाती है, इनको मजबूर किया जाता है गलत बात पे जो है ना रजामंदी करने के लिए जो है वो आई डोंट नो हाउ हाउ द स्ट्रक्चर वर्क्स, उनकी फाइनेंसिंग लाइक उनकी तनख्वाह या लाइक आई डोंट नो, आई एम सेइंग थिंग्स बट आई डोंट हैव द फैक्ट्स। हाउएवर मुझे बस ये शक था कि जो है ना वो इनसे अपनी मर्ज़ी की बातें जो है ना वो कहलवाई जाती हैं। कौन कहलवाता है, कौन फोर्स करता है, अल्लाह जाने। लेकिन मेरे मुफ्ती साहब ने जब मैंने उनसे जाके ना लाइक मैंने थोड़ी सी ना धोखेबाजी की, मैंने इंटरेस्ट पे घर कभी भी नहीं लेना, ठीक है ना, अल्लाह खैर करे मुझे इंटरेस्ट पे कभी लेने की जो है वो नौबत ना आए कि मैं फाइनेंस करके जो है वो घर लूँ और दुगना जो है वो उसकी जो प्राइस है उसे दुगना जो है वो पे करूँ। अल्लाह ना, अल्लाह मुझे बचा के रखे जो है वो ऐसे मामले से। खैर आई वेंट एंड आई आस्क्ड हिम, मैंने ये सवाल जो है ना वो इस उसमें जो है वो किया कि मुफ्ती साहब मैं घर लेना चाहता हूँ और जो है वो आई कैंट पे इट ऑफ, लाइक मैं उसको कैश पे तो नहीं ले सकता, जिस तरह से जो कि ज़्यादातर लोगों के यहाँ हालात होते हैं। तो मेरे लिए जो है वो क्या है, आई फील लाइक कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा जो है वो एवरीवन एल्स इज़ डूइंग इट। तो यू नो मुफ्ती साहब इनिशियली ही सेड के एक्सक्यूज मी, इनिशियली ही सेड के जो है वो इस्लाम में कोई चीज़ चेंज नहीं होती, इस्लाम का जो अहकाम है वो हैं, उनको किसी भी तरह से जो है वो किसी लाइक उसकी ऑपोजिट बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सो व्हेन आई हर्ड दैट सो फार सो गुड, आई एम लाइक ओके या दैट मेक्स 100% सेंस, वेरी गुड। बट देन ही फॉलोड इट अप, उन्होंने खुद ही जो है वो उसके अंदर अलाउंस जो है वो खुद ही पैदा कर दी कि जो है वो इफ़ यू फील कि मजबूरी है और लेना जो है वो घर ज़रूरी है। बट देन ही ऑल्सो डिड अ वजाहत वेर ही सेड कि जो है वो मजबूरी जो है, कुछ लोग तो मर्सिडीज बेंज की गाड़ी जो है वो चलाना भी मजबूरी समझते हैं कि वो भी ज़रूरी है, एनी अदर लाइक यू नो इकोनॉमिकल कार विल नॉट डू। तो ही क्वालिफाइड दैट स्टेटमेंट और उन्होंने कहा कि जो है ना वो मजबूरी की इंटरप्रिटेशन आप ख़ुद कर लें, बाकी अगर आप समझते हैं कि मजबूरी है तो जो है वो उस पे आपको कोई गुनाह नहीं। एंड ही सेड दैट बिकॉज ही जस्टिफाइड दैट बाय बाय आल्सो मेंशनिंग कि उनके जो उस्ताद हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने जो है वो उनको इजाज़त दी थी और उनको ये यही बात कही थी कई साल पहले कि अगर आप ऐसा करें तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, और वही बात उन्होंने जो है वो मुझे कह दी वो रेफरेंस मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का देते हुए। तो मैं अपने मुफ्ती साहब को जो है ना अगर वो देख रहे हो ना ये तो मैं उनको ये बात जो है वो कहना चाहूँगा, ना तो अबाउट कि मैं खुद उनको इन पर्सन ये बात कहूँ, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आई एम सॉरी मुफ्ती साहब, आई डिडंट बाय इट, मतलब आपकी बात जो है ना वो मैंने बाय नहीं की, जो है वो आपने इजाज़त दे दी मुझे लेकिन मैं आपके कहने पे मैं जो है वो मॉर्गेज वाला काम में इंडल्ज नहीं करूँगा, इंशाल्लाह 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 जो है वो, ताकि मेरे ऐसे करने से आपको गुनाह ना हो। और मुझे बहुत दुख होता है जो है वो मैं मुफ्ती साहब को जब भी देखता हूँ जो है मुझे बहुत मासूम और जो है ना वो
इस तरह से लगता है कि उनके कंधों पे जो है ना वो पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी का जो है ना वो बोझ उनके कंधों के ऊपर है। और इस बात का मुझे जो है ना बड़ा रंज होता है कि जो है ना वो लाइक जिस तरह से मैंने जाके उनसे पूछा ना, इस तरह से कई लोग जाके उनसे जो है ना वो ये सवाल करते होंगे इस तरह के, और जो है उनसे बेसिकली एक फतवा, एक जो है ना वो इजाज़तनामा जो है वो हासिल करना चाहते हैं कि मुफ्ती साहब आप कह दें ताकि जो है वो हम बरी ज़िम्मा हो जाएं। तो मेरी, अब मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ ना मैं कोई बहुत रिलीजियस बंदा हूँ, लेकिन मेरी अपनी जो सोच है ना वो ये कहती है कि आई डोंट थिंक दैट एक्सक्यूज़ विल होल्ड अप इन अल्लाह कोर्ट। जो है ना वो इस तरह से गुजारा नहीं होगा, जो है इस तरह से आप कह के जो है वो क्लीन चिट नहीं ले सकते जो है वो, बिकॉज़ यू अंडरस्टैंड कि मुफ्ती साहब शायद मजबूर हैं, उनके ऊपर पता नहीं किस किस्म का प्रेशर हो जिसमें उनसे जो है वो मर्ज़ी की बात जो है वो कहलवा दी गई हो। तो आई थिंक ये हम सब के लिए ना अनफेयर बात है, लाइक हम सब की तरफ से जो है ना ये एक अनफेयर बात है कि हम अपने मुफ्ती हजरात को जो है वो इस टफ सिचुएशन में डालें जहाँ पे उनसे जो है ना वो क्वेश्चनेबल बात जो है वो हम खड़े होके उनको जो है वो इस पोजीशन में डाल के जो है ना उनसे पूछें कि मुफ्ती साहब क्या कहते हैं जो है वो इजाज़त देते हैं। आई डिड दिस जस्ट टू सी क्या होगा जो है वो मुझे ये शक था कि लाइक न्यूयॉर्क के हालात, मॉरल करप्शन जो जो मुसलमानों में, न्यूयॉर्क के मुसलमानों के अंदर जो जो है ना, और मुझे इसीलिए न्यूयॉर्क में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, मैं उस सोसाइटी से, उस कम्युनिटी से जो है ना वो डिटैच करने के लिए बेचैन था कि लाइक किसी तरह जो है ना वो आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस हिपोक्रेसी। मैं ये चाहता था कि लाइक इस हिपोक्रेसी से जो है ना इस उससे मैं निकल जाऊँ, क्योंकि लाइक यू नो यू जस्ट समटाइम्स यू हैव अ फीलिंग, आपको जो है ना वो इतनी वाजे एविडेंस नहीं होता आपके पास चीज़ों का, बट यू जस्ट हैव अ गट फीलिंग जो है ना आपके अंदर जो है ना वो बात कहती है कि यार नहीं, यहाँ पे जो जो दीन के ठेकेदार हजरात बने हुए हैं ना, इवन देयर नॉट ऑल दैट गुड पीपल जो है वो उनकी हरकतें और बातें जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो मिलावट है। तो ऐसे होता था, एंड दिस इज़ वाई जो है वो आई डिड दैट। आई गॉट टू टेक अ ब्रेक गाइस, मैं कॉस्को आ गया हूँ, आई हैव टू गो गेट सम स्टफ। तो ओके गाइस, वेलकम बैक। मैं 240 पाउंड का सामान लेके अभी गाड़ी में रख के बैठा हूँ, थोड़ा सा पसीना आ गया मुझे, और मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि 106 डिग्री है, 106 डिग्रीज राइट नाउ, 240 डिड आई से 240 पाउंड्स, आई डिड द मैथ गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, 240 पाउंड का सामान उठा के मैंने डिग्गी में रखा है, अभी 106 डिग्री है और थोड़ा सा पसीना आ गया। दिस इज ड्राई वेदर। चले ओके, सो वेयर वर वी, हम बात कर रहे थे जी मौलवी साहब से फतवा ले लेना और फिर जो है वो अपने आप को बरी ज़िम्मा समझना के जो है वो मौलवी साहब ने कह दिया इट्स ओके, सो इट्स ओके। लेकिन जब आपकी अपनी अक्ल आपको बता रही है कि इट्स नॉट ओके, जो है आपको समझ आ रही है ये बात जो है वो, दिस इज़ व्हाट मेरा पॉइंट है आज का, जो है मैं ये बात जो है वो कहना चाहता हूँ सबको कि दिस इज़ नॉट हाउ इस्लाम वर्क्स, दिस इज़ नॉट हाउ इस्लाम वर्क्स जो है वो मुझे इसीलिए चिड़चिड़ती है, मैं इसीलिए जो है अपने दीन के बारे में जो है वो किसी से ज्ञान और जो है वो लोगों की जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है उसको नहीं कबूल करता, क्योंकि मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन इस्लाम की काफ़ी सख्त है और जो है ना वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन वाली सोच है मेरी व्हेन इट कम्स टू माय रिलीजन। मैं अपने लिए इस्लाम को जो है वो सख्ती से जो है वो इंटरप्रेट करता हूँ, ठीक है ना। तो आई डोंट नीड एनीबॉडी जिसने जो है वो मेरे नज़दीक जो गलत काम कर रहा है वो मुझे बताए
कि वो मुझे जो है वो कोई मोरल ज्ञान श्यान बांटे. सो दिस इज़ वाई आई डोंट लाइक बीइंग पार्ट ऑफ कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी एंड ऑल ऑफ दैट. लाइक यू नो, रखो संभाल के, आई डोंट नीड इट, आई गॉट माय ओन. तो खैर, व्हाट आई वांट टू से इज़ कि मुफ्ती साहब ने मजबूर हो के आपको जो है वो गलत काम करने की इजाज़त दे दी, तो आपके ऊपर से गुनाह माफ़ नहीं हुआ, क्योंकि आपकी खोपड़ी है. अल्लाह ताला ने कहना है कि खोपड़ी जो है वो चलती नहीं थी. अगर तो नहीं चलती थी फिर तो ठीक है, फिर मुफ्ती साहब ने जो है वो कह दिया और आपकी खोपड़ी इतनी है नहीं कि आप बात को समझ सके, तो फिर तो ठीक है, फिर तो शायद आप बच जाए. लेकिन अगर आपकी खोपड़ी चलती है और जो है बेचारे मुफ्ती साहब ने मजबूर हो कि जो भी उनके ऊपर प्रेशर्स हैं उसके तले दब के जो है वो उन्होंने अगर आपको इजाज़त दे दी ना गलत काम करने की, तो इट्स नॉट ओके. एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट जो है वो हमें चाहिए, हम सब के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि अपने दीन को ख़ुद समझें. ठीक है ना, इतना मुश्किल नहीं है. और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये कोई बहुत पेचीदा मामलात नहीं हैं कि शायद जिनको समझना जो है वो एक आम बंदे के बस की बात ना हो. इफ़ मुफ्ती साहब कैन अंडरस्टैंड इट, सो कैन यू. ठीक है, इट सीम्स टू मी कि जिस तरह से मुफ्तीज ऑपरेट करते हैं ना अमेरिकन सोसाइटी में, जो है वो लोग उनके साथ बहुत ज़्यादती करते हैं, जो है उनको मजबूर करते हैं, उनसे मुश्किल से मुश्किल जो है वो सवालात पूछते हैं, और इस नीयत से पूछते हैं कि हमें आंसर ऑलरेडी पता है बट वी वांट अ डिफरेंट आंसर. तो हमें जो है वो वाला आंसर दें आप जो हमें चाहिए. तो ना करो ऐसे, डोंट डू दैट. ये ठीक बात नहीं है. और रिलीजन जो है वो नियत के दारोमदार पे, नियत के ऊपर जो है वो 100% बेस करता है. ठीक है ना, रिलीजन में कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है, नन. रिलीजन में कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है, रिलीजन में कोई लूप होल्स नहीं है, जो है इस बात को जो है ना वो समझ लें, इस बात को याद रख लें, डोंट लुक फॉर लूप होल्स इन रिलीजन. And know that you're responsible for your niyat. अपनी नियत के जो है वो आप ज़िम्मेदार हैं. जो है वो आप किसी के ऊपर जो है किसी को मजबूर करके जो है ना वो झूठा फतवा नहीं ले सकते. खैर, आज का ज्ञान डन हुआ. मैं ऑलमोस्ट घर पहुँच गया हूँ और 240 पाउंड उठा के अंदर ले जाना है. तो डोंट एनवी मी, इजाज़त दीजिए. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें. आज के बाद से इसी तरह के बैठे हुए ज्ञान जो है ना वो सुनने को मिलेंगे. नो मोर व्लॉग्स, आई मीन नेवर से नेवर, लाइक थोड़े बहुत शायद व्लॉग्स आ भी जाएं, बट आई एम नॉट गोना गो टू वेगस और लाइक कैमरा उठा के आपको दिखाऊं कि ये देखिए ऐसे गैम्बलिंग होती है. आई एम नॉट गोना डू दैट, दैट वाज सो स्टूपिड. लाइक व्हाई डिड आई डू दैट? Why did I do that? Like, you know, camera उठा के इधर के नाजरीन ये देखें, ये है न्यूयॉर्क सिटी. I'm not doing that anymore. जो है आज सीधा सीधा ज्ञान होगा. सुनना है तो सुने, नहीं सुनना तो भी खैर है. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.